गजवा ए हिंद को दारुल उलूम देवबंद ने मान्यता देने वाली देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये वही संस्था है जो समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है, लेकिन अब इस संस्था की खाट खड़ी होने वाली है क्योंकि दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी गई है। बता दें कि हिंदुत्व नेता यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गजवा ए हिंद के फतवे को लेकर इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद को बुलडोजर से ध्वस्त करने का आग्रह किया है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। कोई इसका अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन महंत दिग्विजयनाथ जी का पोता चेला जो आज महंत दिग्विजयनाथ जी की गद्दी पर आरूढ़ है, उस व्यक्ति को तो इस घोषणा के अर्थ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है, इसका अर्थ यही है। शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आप भी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो ये आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है, आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बता दें कि दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी विवादस्पद फतवा गजवा ए हिंद की अवधारणा पर चर्चा करता है और कथित तौर पर भारत के आक्रमण के संदर्भ में शहादत का महिमा मंडल करता है। ये फतवा इस्लामिक संस्था की तरफ से जारी किया गया है। दारुल उलूम ने गजवा ए हिंद को मान्यता दे दी है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से फतवा जारी किया है जिसमें गजवा ए हिंद को इस्लामिक नजरिए से सही बताया गया है। तो अब देखना ये होगा, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ नरसिंहानंद की मांग पर गौर करेंगे? क्या सच में दारुल उलूम पर चलेगा योगी का बुलडोजर? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।